जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा तीसरी में अंग्रेजी विषय का पाठ संख्या 2 स्माइल विद अ ब्लेसिंग, स्माइल विद अ ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद के साथ मुस्कुराइए, आशीर्वाद के साथ मुस्कुराइए। SMILE स्माइल यानी होता है मुस्कुराना, WITH विद यानी साथ, BLESSING ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। तो मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद या आशीर्वाद के साथ मुस्कुराइए, ठीक है। अब क्या है प्रश्न देखो, What do you see in this picture? आप इस तस्वीर में क्या देखते हैं या आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, बताइए बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। What do you see in this picture? आपको जो है इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। In this picture, a child is asking for help. इस चित्र में जो है एक बच्चा है ना, वो सहायता मांग रहा है। क्या कर रहा है? सहायता मांग रहा है। देखो आपको दिख रहा है ना, गड्ढे में गिर गया और बच्चा क्या कर रहा है, एक बुजुर्ग से सहायता मांग रहा है। फिर क्या, हु इज हेल्पिंग द बॉय। अब देखो लड़के की सहायता कौन कर रहा है, एन ओल्ड मैन इज हेल्पिंग द बॉय, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बुढ़ा आदमी जो है लड़के की सहायता कर रहा है, क्या है फिर अगला प्रश्न, हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, टेल अस अबाउट द इवेंट्स, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है, हमें उन घटनाओं के बारे में बताइए या उस घटना के बारे में हमें बताइए। आपने बच्चों कभी किसी की सहायता की है? यस, आई हैव हेल्प्ड अ पप्पी, इट वॉज हंग्री, आई गेव इट मिल्क एंड ब्रेड, आई आल्सो हेल्प्ड एंड ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड। तो क्या कहते हैं बच्चों, हाँ मैंने एक पिल्ले की सहायता की है, पिल्ला मतलब कुत्ते का बच्चा, वह भूखा था तो मैंने उसे दूध और ब्रेड दी, मैंने एक वृद्ध, एक बूढ़े व्यक्ति की सड़क पार करने में भी मदद की। तो ऐसे आपने हेल्प की या कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी, अब हम स्माइल विद ब्लेसिंग पाठ की जो हमने प्रश्न उत्तर देखे उसके बाद अब ये कहानी का अध्ययन करेंगे। एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट, एक बूढ़ी महिला या एक वृद्ध महिला बाजार जा रही थी, एन ओल्ड, OLD, ओल्ड यानी वृद्ध, मतलब बुढ़ा या बुढ़ी, LADY लेडी यानी महिला, GOING गोइंग यानी जाना, टू मार्केट, MARKET मार्केट मतलब बाजार। तो एक बुढ़ी महिला जो है वो कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। She was carrying a basket of fruits, वह जो है फलों की एक टोकरी ले जा रही थी। अब वह बूढ़ी महिला जो थी वह फलों की एक टोकरी ले जा रही थी। शी वाज कैरिंग, कैरिंग का अर्थ ढोना या ऊपर सर पर रखकर ले जाना, बास्केट यानी टोकरी, BASKET बास्केट यानी टोकरी, और फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स यानी फल या फलों, फ्रूट्स यानी फलों। तो वह महिला जो है फलों की एक टोकरी जो है अपने सिर पर ले जा रही थी। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में या
रास्ते में क्या हुआ, WAY वे यानी रास्ता, ऑन द वे रास्ते में, शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन, शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन, उसका जो है एक केले के छिलके के ऊपर पैर आ गया और वे नीचे गिर गई। ठीक है, एक केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा तथा वह नीचे पड़ गई। स्टेप्ड STEPPED स्टेप्ड यानी कदम रखना, BANAN बनाना यानी केला, PEELPEELL पील यानी छिलका, एंड फेल डाउन मतलब गिर जाना, FELDOWN फेल डाउन यानी गिर जाना। शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन, उसका जो कदम जो है केले के छिलके के ऊपर पड़ा और वह जो है नीचे गिर गई। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने स्माइल विद अ ब्लेसिंग पार्ट का अध्ययन किया। क्या है वापस देखो, स्माइल विद अ ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद के साथ मुस्कुराइए, आशीर्वाद के साथ मुस्कुराना या मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप लोग इस चित्र में क्या देख रहे हैं, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप लोग जो है इस चित्र में क्या देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बच्चा सहायता मांग रहा है, एक बच्चा जो है सहायता मांग रहा है। इन दिस पिक्चर अ चाइल्ड इज आस्किंग फॉर हेल्प, एक बच्चा जो है सहायता मांग रहा है। हु इज हेल्प द बॉय, हु इज हेल्पिंग द बॉय, लड़के की सहायता कौन कर रहा है। देखो बच्चों चित्र में एक वृद्ध व्यक्ति जो है लड़के की सहायता कर रहा है, तो एन ओल्ड मैन इज हेल्पिंग द बॉय। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, टेल अस अबाउट इवेंट्स, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है, हमें उन घटनाओं के बारे में बताइए। हाँ, मैंने एक पिल्ले की सहायता की है, वह भूखा था, मैंने उसे दूध और ब्रेड दी, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद भी की। यस आई हैव हेल्प्ड अ पप्पी, इट वॉज हंगरी, आई गेव इट मिल्क एंड ए ब्रेड, आई ऑल्सो हेल्प एंड ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड। फिर हम लोगों ने ये कहानी पढ़ना शुरू किया। नाउ लेट्स रीड इन दिस स्टोरी, क्या स्टोरी है देखो बच्चों। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट, एक बुढ़ी महिला जो है बाजार जा रही थी। शी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, वह फलों की टोकरी ले जा रही थी, वह फलों की टोकरी ले जा रही थी। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में, शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन, उसका पैर जो है केले के छिलके पर पड़ा और वह नीचे गिर गई।